हिंदू राष्ट्र अधिवेशन को लेकर जगन्नाथ शक्तिपीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए तमाम ईसाइयों का हिंदू धर्म में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोम देश में स्थित ईसा मसीह की प्रतिमा में वैष्णव का निशान है, ऐसे में तमाम ईसाइयों को हिंदू धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही निश्चलानंद स्वामी ने साईं भक्तों का हिंदू मठों में प्रवेश वर्जित करने की बात भी कही। वहीं उन्होंने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर आज हर तरह के लघु और कुटीर उद्योग शूद्र के हो गए हैं। सुनिए, धर्मांतरण जिन प्रांतों में होता है, विशेषकर धर्मच्युत, धर्मांतरण नहीं होता, धर्मच्युत किए जाते हैं। छोटे जाति आपने कहा है, हमने कहा, छोटे जाति सब आपका दिया हुआ है, हमारा धर्मांतरण। सुनिए, शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण धर्मच्युत किए जाते हिंदुस्तानी बाब के शासन काल में। चार क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने के लिए पहुंच गए, तालिबान ने चारों को फांसी की सजा दे दी। शासन तंत्र की सहभागिता न हो तो हिंदुओं को